नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल EBTech में। दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश में विभिन्न भर्तियों को लेकर के, चाहे किसी भी विभाग की भर्ती हो, सभी भर्तियों के लिए यहां पर जो है शासनादेश जारी कर दिया है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं प्रेषक राजेंद्र कुमार तिवारी मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से ये शासनादेश जारी किया गया है और जितने भी विभाग हैं सभी विभागों के लिए यहाँ पर ये आदेश जारी किया गया। देख सकते हैं राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त मंडलायुक्त, समस्त जिला अधिकारी, सभी के लिए आदेश जारी किया गया। विषय भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि प्रदेश में मिशन रोजगार अभियान चलाए जाने के संबंध में। मिशन रोजगार अभियान आप लोग जानते होंगे, मिशन रोजगार अभियान के तहत जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो 50 लाख कर्मचारियों की भर्ती करने जा रही है। कई सारी इसमें जो है डिपार्टमेंट में भर्तियां, यानी जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उन सभी में भर्तियां होंगी। इसके साथ ही कौशल मिशन के अंतर्गत और 20 संविदा पर दुनिया भर की भर्तियां इसमें शामिल किया गया है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है प्रदेश में रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेंटिस के माध्यम से रोजगार व स्वरोजगार के विशेष अवसर सृजन किए जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 5 दिसंबर 2020 से मिशन रोजगार नाम से एक विशेष अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है। इस मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, निगमों, परिषदों, बोर्डों तथा प्रदेश भर के सभी स्थानिक निकायों को, जिनमें विभिन्न प्राधिकरण, विशेषकर विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी सम्मिलित हैं, इनके माध्यम से जो है प्रदेश के युवाओं हेतु रोजगार, स्वरोजगार के सृजन के साथ ही कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेंटिस के माध्यम से, भूमि आवंटन के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के लाइसेंस व अनुमतियों के माध्यम से रोजगार दिए जाने के संबंध में यहाँ पर जो सूचनाएं हैं वो मांगी गई हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जितने भी विभाग हैं सभी विभागों से इसकी जानकारी मांगी गई है। कितने पद आपके यहाँ पर रिक्त हैं यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, लिखा है इस वित्तीय वर्ष के समाप्ति तक 50 लाख युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के साथ सक्षम बनाया जाएगा। यानी 2021 मार्च तक, इस वित्त वर्ष की समाप्ति तक बोला गया है, 2021 मार्च तक 50 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। इसमें सभी विभागों में बहुत सारी भर्तियों की बात की गई है। कुछ पद यहाँ पर सरकारी भी होंगे, कुछ गैर सरकारी भी होंगे, कुछ संविदा के आधार पर होंगे, कुछ स्वरोजगार के होंगे। बहुत सारे यहाँ पर पदों की बात की गई। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश सरकार 50 लाख युवाओं को रोजगार देने की जा रही है, उसका शासनादेश यहाँ पर जारी किया गया है। ठीक है, तो चुनाव वर्ष आने वाला है, इस वजह से यहाँ पर जो है काफ़ी सारी भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो लेटर है सभी विभागों के लिए जारी कर दिया गया, यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे रोजगार कहाँ कहाँ मिलेगा। तो सभी राजकीय विभागों में नौकरियाँ, सृजित पद, रिक्त पद, विभागों में आउटसोर्सिंग द्वारा नौकरियों की संख्या, विभागों द्वारा कौशल विकास प्राधिकरण के माध्यम से प्रशिक्षित होने वाले व्यक्तियों की संख्या, स्वरोजगार की योजनाएं, लाभार्थियों की संख्या, प्रमोट किए जाने वाले संस्थाओं में नौकरियों की संख्या, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है मांगी गई हैं। तो कुल मिलाकर के 50 लाख नौकरियों की जो बात कही गई, तो उसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया। अब यहाँ पर विभिन्न विभागों में भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी, जो भी पदों का ब्यौरा यहाँ पर देने के लिए कहा गया है। इसी शासनादेश में यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ब्यौरा मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं मिशन रोजगार अभियान के तहत निर्धारित प्रारूप 1 है। यहाँ पर डिटेल्स देनी है कि जनपद का नाम, प्रशासकीय विभाग का नाम, अधीनस्थ आयोग, निगम, बोर्ड क्या है, योजना का नाम क्या है, 1 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार कितने पद स्वीकृत हैं, ठीक है, और कितने पद भरे गए हैं, कितने पद भरने वाले हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर मांगी गई हैं। कितने पद नियमित हैं, कितने आउटसोर्सिंग है, कितने संविदा वाले हैं, कितने अप्रेंटिस वाले हैं, कुल मिलाकर के सभी विभागों से जो है ब्यौरा मांगा गया है। जैसा कुछ ब्यौरा यहाँ से जाता है उसके बाद इन सभी पदों पर विभागवार भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल भर्तियाँ हो या ना हो, लेकिन ये शासनादेश जरूर जारी कर दिया गया है। ठीक है, आपको क्या लगता है, ये भर्तियाँ वास्तव में हो पाएंगी या सिर्फ एक लॉलीपॉप ही है? जैसा कुछ आपको लगता हो कमेंट में अपने विचार बता सकते हैं। ये जो शासनादेश अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। फिलहाल ये जो है अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, EBTech 123 टेलीग्राम पर डालिएगा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट दी गई यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।